चलिए आसान तरीके से बना रहे हैं पूरन पूरी। ये चना दाल 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए, फिर 20 मिनट के लिए उबाल लीजिए चना दाल को अच्छे से साफ से धो के। ये उबल गया चना दाल, ये उबल गया है पूरा, ये देखिए पूरा टूट रहा है, देखिए बढ़िया मैश हो रहा है। अब ठंडा हो जाने के लिए रख दीजिए। तब तक हम जीरा और उसका मसाला भर पीस लेते हैं। ये 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया ले लीजिए साबुत धनिया, दो चम्मच वो 15-20 के वो 3-4 लहसुन ले लीजिए, मिर्चा लाल मिर्ची सॉरी 15-20 कली लहसुन छील के डाल दीजिए। मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए इसको, ये पीस गया आपका। इसी में चना की दाल डाल के पीस लीजिए। इसको उबालने से एकदम आपकी पूरन पूरी बनाने में सरल रहता है, आसान तरीके से हम बता रहे हैं आपको। इसमें पीस लीजिए, एकदम खिला खिला रहेगा। ये देखिए कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताइए कैसे लगी आपको ये रेसिपी, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। ये देखिए आपका ये एकदम बन गया। हींग डालिए 1 चम्मच, छोटा चम्मच टी स्पून हींग डाल दीजिए इसको। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं इसमें, जो भी हो आपके पास 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला डाल दी। चाट मसाला ना हो तो आप अभी इस जगह अमचूर भी डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं चाट मसालों को। नमक डाल दीजिए थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार, ये हमने 1 चम्मच नमक डाला है इसमें। अच्छे से मिला लीजिए सब। ये देखिए कितना अच्छा बना है इसका, ये एकदम अलग अलग बना है। जब पूरी बनाएंगे तब तो एकदम भरने में वो होगा, सरल लगा। वैसे बनाते हैं जो छोंक के बनाते हैं हम लोगों के यहाँ, उसमें कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये आटा हमने ले लिया है 1/2 किलो 500 ग्राम, इसमें मैश करके अजवाइन डाल दीजिए हाथ से, इसकी खुशबू अच्छी आती है, पचने में बढ़िया रहता है। कसूरी मेथी मैश कर लीजिए हाथ से इसको। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसी लगी आपको। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं इसमें। 1/2 टीस्पून नमक डाल दीजिए, क्यों नमक उसमें भी पड़ा है ना। चलो आटा जैसे रोटी का वो डो लगाते हो वैसे आटा आपको गूंथना है, एकदम परफेक्ट आपकी पूरन पूरी बनेगी। ये देखिए आटा गूंथ रहे हैं। इसको हमारे यहाँ पूरन पूरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहीं कहीं पराठा भी बोलते हैं इसको। आम के सीजन में तो बहुत बनता है हम लोगों के। ये डो लगा लीजिए, लग गया आप बिल्कुल रोटी जैसे डो लगाना है आपको, जैसे रोटी बनाते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए जी ये आटा गूंथ गया आपका, तैयार हो गया। ये देखिए भरने में बहुत ही वो रहता है, एकदम खिला खिला बनेगा। ये भर लीजिए इसको ऐसे अच्छे से लोई वो करके। ये देखिए हाँ अच्छे आटा परथन लगा लीजिए। ये आटा लगा के इसको पतली पतली बेल लीजिए,
बहुत सरल ही बनाना। देखिए कितने अच्छे से बेल रही है, ये देखिए। अब इसको सेंक लीजिए, रिफाइंड ऑयल लगा, सरसों का तेल नहीं यूज करिएगा, रिफाइंड ऑयल या वनस्पति तेल, घी किसी से भी आप वो कर सकते हैं, सेंक सकते हैं। ये देखिए जिससे नहीं बनता वो भी बना लेगा, बहुत ही सरल है। हम लोगों के आम के सीजन में बहुत बनती है पूरन पूरी, आप लोग बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। ये देखिए एकदम ब्राउन सेक लीजिए इसको, दिख रहा है आपको गोल। ये गर्मा गर्म पराठा तैयार हो गया है, आम रस टमाटर की चटनी के साथ इसको एंजॉय करिए आप।